नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना की दूसरी लहर अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गई, अब गांवों में भी कोरोना ने पैर पसार लिए हैं और जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। जिस बात का अंदेशा पीएम मोदी से लेकर तमाम एक्सपर्ट को था, अब वो मंजर दिखने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक गांव में कई लोग कोरोना से जान गंवा रहे हैं। ताज़ा मामला नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव का है, जहां पर एक पिता ने अपने दोनों बच्चों को कोरोना की वजह से खो दिया। नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव ने एक बेटे को मुखाग्नि देकर शमशान से लौटे पिता ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि थोड़ी देर बाद उन्हें दूसरे बेटे को भी कंधा देना होगा। लेकिन जो नहीं सोचा था वही हुआ और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जलालपुर गांव में रहने वाले अत्तर सिंह के बेटे पंकज की अचानक मौत हो गई। बेटे को मुखाग्नि देकर सभी घर पहुंचे ही थे कि दूसरे बेटे दीपक ने दम तोड़ दिया, वो भी कोरोना से ही जंग लड़ रहा था। जवान बेटों का जनाजा देखने वाली मां पूरी तरह से टूट गई है और लगातार बेहोश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।